शहर के बरमसिया दुहाटार हरिनारायण कॉलोनी में श्री संकट मोचन महावीर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 2 दिवसीय आयोजन मंगलवार से शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों महिलाओं एवं युवतियों ने धार्मिक विधि का पालन करते हुए कलश यात्रा निकाली। वहीं श्री बजरंगबली की प्रतिमा को धार्मिक रीति रिवाज के साथ पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए नगर भ्रमण का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं का जत्था दुहाटार स्थित श्री संकटमोचन महावीर मंदिर से निकलकर बरमसिया दुर्गा मंदिर होते हुए मनाईटार तालाब पहुंचा, जहां महिलाएं कलश में जल भरकर वापस मंदिर प्रांगण पहुंची। आयोजक मदन महतो ने बताया कि 2 दिवसीय आयोजन में आज बजरंगबली के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, कलश यात्रा, नगर भ्रमण, वेदी पूजन तथा अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में इलाके के धर्मावलंबी युवक, बुजुर्ग, महिलाएं और समाज सेवियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर जो है कि हनुमान जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है और आज कलश यात्रा निकाला गया और दुहाटार होते हुए, बरमसिया होते हुए, हनुमान कॉलोनी होते हुए फिर जो है कि आम तालाब में जो है जल भर करके और मंदिर के पास जो है कि इसको जो है कि पूर्वक किया गया और कल जो है कि जागरण होगा और भंडारा होगा, शाम को प्रसाद वितरण होगा। झांकी वगैरह भी नहीं निकला है? हाँ, झांकी भी साथ में है, जो है कि राम दरबार और शंकर परिवार ठीक है ना निकाला गया झांकी। क्या नाम है आपका? मेरा इंद्रजीत कुशवाहा। देखिए आज ये कलश यात्रा श्री श्री संकट मोचन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जिसमें न्यू हरनारायण कॉलोनी के सभी माताएं बहने, सभी नौजवान, सभी दोस्त, बड़े बुजुर्ग सभी लोग उपस्थित होकर आज ये कलश यात्रा करके अभी हम लोग फिर संकट मोचन मंदिर जहां पे हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे बजरंगबली का, वहां हम लोग उपस्थित होंगे। उसके बाद का कार्यवाही वहाँ पर ये न्यू हरनारायण को होते हुए आपका बरमसिया दुर्गा मंडप, बरमसिया मोहल्ला, बरमसिया फुटबॉल मैदान होते हुए छठ तला होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण में प्रस्थान।